दोस्तों यह बात तब की है जब 2005 में इंडिया के एक लीजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनकी याद में, उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों आप जरूर समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब्दुल कलाम। जहाँ उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से दो वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उन्हें बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद भी उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पर उनके पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना। दोस्तों स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए और इसलिए वह घंटों घंटों तक पढ़ाई करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म फोर्स की पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। बात सुनकर अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। यह देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता भी है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उस वक्त सिर्फ 8 सीटें खाली थी और बदकिस्मती से उनका 9th नंबर आया और वह आर्म फोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उन्होंने अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई और उसके बाद उनके DRDO से इसरो में ट्रांसफर किया गया। दोस्तों पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के 3.88 बिलियन के फंड्स अलॉट कर दिए गए जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़ी मिसाइलें लॉन्च की। उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने एक सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे सर इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वो केरला विजिट के लिए गए थे उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में एस प्रेसिडेंशियल गेस्ट इन्वाइट किया था। वह 2 लोग कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थे बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था। असाही का एक किस्सा 2005 का है जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनके फॉर्मेलिटी के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे। जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार मेरे रहने और खाने के पैसे देती है न कि मेरी फैमिली की, और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इनके पास जायदाद कोई नहीं थी लेकिन अपने किताबों के अलावा पर अपनी कहानी से और अपने कामों से यह मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाइल बन गए। तो कैसा लगा यह आपको वीडियो सर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।